आज के इस वीडियो में हम लोग वोल्टामीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टामीटर जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है, यानी जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया संपन्न की जाती है, उसे हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। यह पात्र प्राय कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है। तो ये जो वोल्टामीटर में जो वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है, उस पॉट यानी उस बर्तन, उस पात्र का मटेरियल जो होता है, वो कांच का बना होता है या चीनी मिट्टी का बना होता है। वोल्टामीटर का जो रूपरेखा है, जो उसका ढांचा है, उसको इस प्रकार बनाया जाता है। इसमें वैद्युतिक अपघटन की क्रिया होती है। इसमें कैथोड और एनोड, दो रॉड इसमें लगा होता है, जिसमें कैथोड से हमें नेगेटिव चार्ज प्राप्त होती है और एनोड से हमें पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होती है। अब हम लोग इसमें आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में घोलने पर वह धन तथा ऋण अवयवों में विभक्त हो जाता है, जो मूलक या आयन्स कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में घोलते हैं, तो उसमें से जो ऋण आयन्स होता है और धन आयन्स होता है, ये विभक्त हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग आयनीकरण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनायन, यानी इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर से जाने वाले आयन्स धनायन कहलाते हैं। इन आयनों पर धनात्मक आवेश होता है। तथा ऋणायन, इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयन्स जो हैं वो ऋणायन कहलाते हैं, और इन आयनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो हम लोग वोल्टामीटर में इन प्रक्रियाओं को पढ़े, समझे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम पढ़ेंगे। उन्होंने दो नियम स्थापित किए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों पढ़ेंगे। साथ ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे वैद्युतिक अपघटन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहले हम लोग प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल में आपका आता है जैसे वोल्टाइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियोज़ अपलोड होता है, रेगुलर वीडियोज़ को देखिए, समझिए। फिर हम लोग उसके आगे फिर सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्राइमरी सेल हम लोग उन सभी सेल्स को कहते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, यानी फिर से उसको चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग प्राइमरी सेल के कैटेगरी में डालते हैं। और जिन सेल्स को हम लोग बार बार चार्ज करके उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी सेल के कैटेगरी में डालते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।